Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about water as a basic facility or the different public facilities which are provided by the government. What is the role of government in providing public facilities? पिछले क्लास की बात करें तो हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट की क्या कुछ भूमिका है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में. पब्लिक फैसिलिटीज हेल्थ एजुकेशन वाटर सप्लाई सैनिटेशन एटसेट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड करने में पब्लिक फैसिलिटीज हैं. और उसमें सरकार की क्या कुछ भूमिका है ये हमने पढ़ा था कि दीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट कंपनीज बट प्राइवेट कंपनीज ऑलवेज वर्क फॉर द प्रॉफिट. प्राइवेट कंपनियों की तो प्रॉफिट के लिए काम करेंगी. प्रॉफिट के लिए काम करेंगी तो दे विल चार्ज हाई चार्जेस करेंगी विच माइट बी नॉट अफोर्डेबल फॉर सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हो सकता है समाज के कुछ वर्ग उन सुविधाओं से बाहर हो जाए उस सुविधाओं को न मिले. इसलिए गवर्नमेंट की भूमिका आती है. गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करती है प्रॉफिट के बजाय. फिर हमने देखा था पैसा कहाँ से आएगा. पैसा देक इन चार्ज ऑफ द फैसिलिटीज उन फैसिलिटीज का कुछ चार्ज कर देगी सरकार और टेक इन टैक्सेस उसके बाद टैक्स ले ले. अब हमारे पास है कि जो चेन्नई की हमने स्थिति की वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल. क्या वहां पानी सबको अवेलेबल है. तो इसमें हमने देखा था कि पानी की जहां तक बात है तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई. हमने देखा था पानी की शॉर्टेज थी चेन्नई के अलग अलग. जब हमने लेसन स्टार्ट किया तो देयर वर डिफरेंट फोर पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी. उस हमने चार पार्ट के बारे में पढ़ा था उसमें पानी की शॉर्टेज है. और ओवरऑल अगर बात करें द म्यूनिसिपैलिटी इज एबल टू प्रोवाइड वाटर ऑन एन एवरेज 50%. अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां नगर निगम की तो नगर निगम जो पानी प्रोवाइड कराती है वो क्यों 50% जरूरतों को पूरा कर पाता है. बाकी 50% आर मेड बाई द प्राइवेट सोर्सेज. तो 50% सुविधाएं हैं वो दूसरे प्राइवेट सोर्सेज से आइदर द बोटल्ड वाटर या तो बोटल वाटर खरीद लें या फिर कि प्राइवेट टैंकर से उससे पानी सप्लाई करें तो उससे जरूरतें पूरी होती हैं. तो चेन्नई के अंदर पानी की सप्लाई की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है. एवरेज अगर बात करें तो 50% लोगों तक पानी पहुंचता है. अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट है. प्रत्येक व्यक्ति को भी बराबर नहीं मिल रहा. हालांकि राइट टू लाइफ में हमें देयर का वाटर एक एसेंशियल फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सबको मिलनी चाहिए. इक्वल बेसिस पर मिलनी चाहिए. यूनिवर्सल एक्सेस सब तक पानी पहुंचे भी. लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है. शॉर्टेज तो है. शॉर्टेज तो 50% हमने देखा लेकिन उस शॉर्टेज में भी मोर सफरिंग्स आर फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. उसमें भी गरीब लोग हैं वो ज्यादा सफर करते हैं. इसमें हमने देखा था कि एक एरिया तो वो है द रेगुलर वाटर सप्लाई इज देयर लगातार पानी अवेलेबल है. द पोस्ट एरिया यू कैन कॉल जो ज्यादा जो बड़े अधिकारी वर्ग है या मिनिस्टर वगैरह थे उस इलाके में तो पानी लगातार अवेलेबल है. हमने देखा था जो शुरू का हमने एग्जाम्पल देखा उसमें दे वर वॉशिंग द कार वो यहाँ तक गाड़ी धो रहे थे उस पानी से. तो कुछ इलाके ऐसे जहां पानी ज्यादा अवेलेबल है कुछ इलाके ऐसे जहां कम आता है. कुछ एक इलाके जैसे हमने देखा था एक झुग्गी झोपड़ी में जो महिला रह रही थी उसको दिन में मुश्किल से एक बकेट या दो बकेट पानी मिल पाता है. तो इसमें भी गरीब लोग हैं वो ज्यादा सफर करते हैं. एक तो पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है उसके अनुसार अवेलेबिलिटी है कि कौन सा इलाका ज्यादा जरूरी उसके अनुसार पे कर वो प्रोवाइड करा रहे हैं जबकि पानी सबको बराबर मिलना चाहिए. दूसरा पुअर सेक्शन कैसे ज्यादा सफर करता है. द रिचर सेक्शन कैन अफोर्ड द प्राइवेट सर्विसेज. रिचर सेक्शन है तो प्राइवेट सर्विस को अफोर्ड कर सकता है लेकिन गरीब व्यक्ति है जिसको कि फिर दूसरे अल्टरनेटिव को ढूंढना होता है कि आइदर डग ए बोरवेल क्या वो बोरवेल खोद लें या फिर दे आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम द प्राइवेट टैंक द टैंकर्स प्रोवाइड बाय प्राइवेट कंपनीज. जो प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करा रही है उनके द्वारा टैंकर्स हैं उनसे पानी मंगा लें बोटल वाटर खरीदें तो उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है. तो दे are not able to afford those public facilities which are to be provided by the private companies. उनको afford नहीं कर पाते वो. ये तो था केवल availability, access to the water कि कितना पानी available है. shortage तो है. shortage में भी poor section है उसको ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है. फिर दूसरी condition और आती है. is it the water which is provided by the government or the private companies are safe or clean water? क्या वो सुरक्षित है पानी. अब दूसरी परेशानी ये आती है. Most of the time, the water which is available to us is contaminated or polluted water, which is not so good for our health to drink. हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता कि उसको पिए और हम स्वस्थ रहें. तो ज्यादातर हमारे पास पानी अच्छा अवेलेबल नहीं होता. उसमें भी फिर देखो परेशानी कहाँ आती है. उसमें भी जो रिचर सेक्टर ऑफ सोसाइटी है दे कैन अफोर्ड द बोटल्ड वाटर और द डिफरेंट प्लांट्स विच आर
managed or established by the private companies to provide safe drinking water. तो उसमें भी फिर हमारे सामने परेशानी, poor section of the society can't afford that bottled water. आजकल तो हालांकि मार्केट में हमारे पास प्योरीफायर इतने सारे आ गए, इतनी सारी कंपनीज के प्योरीफायर आ रहे हैं, वी कैन इंस्टॉल एट होम टू प्योरीफाई द वाटर, उसके साथ बोटल वाटर हमारे पास आता है, तो इतनी सारी कंपनी का एक तरह से वी आर थैंकफुल टू दोज फैसिलिटीज, बट द सेक्शन विच कैन अफोर्ड, केवल वही अफोर्ड कर सकते हैं, वही उनका धन्यवाद दे सकते हैं, बाकी गरीब व्यक्ति के लिए वो चीजें नहीं है. तो यहाँ भी पहले तो पूरा अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है तो जो रिचर सेक्शन है वो तो अफोर्ड कर सकता है प्योरीफायर वगैरह या फिर बोटल्ड वाटर घर पर आ सकता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए परेशानी है. नाउ व्हाट टू डू, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स. अब हमारे सामने समस्या आती है शॉर्टेज से, और उस शॉर्टेज के साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें तो उसके लिए करें क्या, तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव्स. अब हम देखेंगे केवल चेन्नई की स्थिति नहीं है, इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया और स्पेशली द मेट्रो सिटीज आर फेसिंग द वेरी सेम प्रॉब्लम. तो आप दिल्ली की देख लें, स्पेशली इन द समर टाइम, गर्मी का समय होता है तो लगभग हर शहर की हालत यही होती है, लगभग पूरे भारत में इस प्रकार की परेशानी आती है, लगभग हर शहर की परेशानी ऐसी है, कोई भी शहर ऐसा नहीं जिसमें 100% अवेलेबिलिटी हो और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो. तो ये हमारे सामने परेशानी है और वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि हम इस अल्टरनेटिव संसाधन ढूंढेंगे कि ये वाटर जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, किस प्रकार से हम बाहर निकल सकते हैं. If you have doubt, then you can ask. Thank you, Dr. Nishit.